आती है उसके साथ और वो होती है फॉग। जब फॉग या कोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है तब ये समझ में आ जाता है कि अब जाड़े बहुत तेजी से पड़ रहे हैं, क्योंकि अब 5:30 बजे से 6 बजे से ही दिन छिप जाता है, रात हो जाती है ना, तो डिनर खूब बढ़िया बनता है, लंबा डिनर बनता है। तो अभी 6:00 बजे हैं और शानू की फरमाइश पर अब मैं बना रही हूँ केक। तो देखो मैंने सारी चीजों की तैयारी कर ली है, जिसमें है 6 टेबल स्पून है कोको पाउडर, 2 कप मैदा और 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है शुगर, पिसी हुई चीनी, और मैं लूँगी बटर, बटर लूँगी 4 बड़े चम्मच, 1 कप मिल्क मेड, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच रहेगा बेकिंग सोडा का, 1 चम्मच रहेगा वनीला एसेंस और ये है करीब 1.5 कप दूध, और मैंने ये अपना बेकिंग टिन जो है रेडी कर लिया है। कुकिंग ऑयल भी रहेगा, जितना रहेगा बटर उतना ही कुकिंग ऑयल रहता है, तो कुकिंग ऑयल रहेगा 4 टेबल स्पून। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले बटर को ना हल्का सा मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, और 4 टेबल स्पून बटर और 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को हम मिक्स करेंगे, और इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी जो कि हमने करीब 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, 1 कप मिल्क मेड ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना रहें, और OTG को हम लगा देंगे प्री हीट पे 180 पे करीब 5 मिनट्स के लिए, और अब मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स करके अच्छे से छान लेंगे, और ये जो हमारा ड्राई पार्ट है इसको अब हम अलग कर लेंगे। तो केक बनाना ना बहुत ही ज्यादा आसान है, फटाफट 10 मिनट में ये बन जाता है। और अब जो दूध है उसमें 1 चम्मच हमने मिलाया वनीला एसेंस, और अब ये जो तीनों चीजें हैं इन्हें हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। तो वेट पार्ट में धीरे धीरे ड्राई पार्ट डालेंगे, दूध डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, और बहुत ज्यादा फेंटना तो नहीं है, लेकिन हाँ इन सब चीजों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा मैं बढ़िया चीज़ें ही खाती हूँ, मतलब कुछ भी जंक हुआ मीठा हुआ ये नहीं खाती, लेकिन हमारे डेली के लाइफस्टाइल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हमें सारी चीज़ें हमें खानी पड़ती हैं, क्योंकि जो हम बनाते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बना सकते हैं, मतलब ये टाइम की कमी मान लीजिए या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और काम मान लीजिए। तो देखिए जैसे केक मैं बना रही हूँ इसको भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, ज़रूर खाऊँगी, और हाँ इसके साथ साथ अपने वेट का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो केक मेरा रेडी हो गया है और अब मैं इसको जो है प्री हीटेड ओवन में रखूंगी 180 डिग्री पे करीब 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको अभी रखा है, और बीच में हम इसे चेक भी करेंगे, और अपने वेट को मैनेज करने के लिए और क्या क्या मैं करती हूँ वो सब मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा वेट सही से नहीं रह पाता है, यानी कि जैसे ही डाइट में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ वेट बढ़ जाता है, और वेट मैनेजमेंट ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेट से हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रिलेट करते हैं और बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे एक लेग में प्रॉब्लम हुई थी जिसकी मैंने कंटिन्यूअसली 3 महीने तक दवाएं ली थी, और उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया। और डेली लाइफ में ना बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जो हमारे वेट पर असर डालते हैं और हमारा वेट प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ फाइटिका लैटेट मेल्ट दैट विल हेल्प एक्सेलरेट योर वेट मैनेजमेंट गोल्स। ये रिड्यूस करता है बॉडी फैट एक्यूमुलेशन को कंबाइन विद लाइट एक्सरसाइज, और जो हम ओवर ईटिंग करते हैं ना ये उसको भी काफी कम करता है, इससे जो हमारा कैलोरी इनटेक होता है वो काफी कम हो जाता है। और इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट टू सप्रेस एपेटाइट एंड प्रमोट्स हेल्दी वेट मैनेजमेंट, जिससे कि फैट का ना धीरे धीरे हेल्दी वे में एब्जॉर्प्शन होता है और ये इंसुलिन लेवल्स को भी मैनेज करता है। और इसमें है त्रिफला एक्सट्रैक्ट, काली जीरा और पाइपराइन, ये वेट लॉस करता है नेचुरली बाय हेल्दी बाउल मूवमेंट्स, ये डाइजेशन को हेल्दी बनाता है, इलिमिनेट करता है टॉक्सिन्स को और प्रमोट करता है मेटाबॉलिक फंक्शन को। और इसकी आपको ना 2 टैबलेट्स लेनी है एक दिन में थोड़े से गुनगुने पानी के साथ, और प्रीफरेबली 1/2 आवर बिफोर अ मील और एज एडवाइज्ड बाय अ डाइटिशियन। तो आप भी एड्रेस करिए अपने वेट मैनेजमेंट के कंसर्न्स को, और फाइटिका लेट इट मेल्ट जो है ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस अब केक बनने वाला है, मैंने इसे 25 मिनट्स के लिए लगाया था, उसके बाद 10 मिनट्स के लिए और लगा दिया था, ये बंद हो जाएगा उसके बाद मैं इसी में छोड़ दूंगी करीब 10-15 मिनट के लिए,
और तब तक हम सब लोग डिनर कर लेंगे, आलू मटर की सूखी सब्जी और साग है कल का, तो इसी को गर्म करके हम खा रहे हैं। और ये तैयार हो गया बहुत ही डिलीशियस, आसानी से बनने वाला बिल्कुल सिंपल एगलेस केक, चॉकलेट केक। और ये ना मतलब काफी टेस्टी भी लगता है खाने में, और सबसे ज्यादा जो इसका मेथड है वो बिल्कुल आसान सा है। और हाँ देखिए, ये मैंने अपना खा भी लिया। और हाँ, रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए दलिया। कितना कोहरा पड़ रहा है बाहर, देखो सारे में बिल्कुल बादल ही बादल हो रहे हैं, कोहरा कोहरा ही हो रहा है। सारे पेड़ पौधे देखो, ये तो अभी हरे हरे हैं लेकिन सब कोहरे से ना ही खराब हो जाएंगे। देखो इतने सुंदर हो रहे हैं लेकिन ये कोहरे से सब खराब हो जाएंगे अभी पाले से ना। हाँ ये वाले जो है ना, इन पे कोई असर नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेंगे, मोर पंखी पे कोई असर नहीं आएगा। और फूलों के पौधे सब खराब हो जाएंगे, ये तो यहाँ रख रखे हैं तो इसलिए चल रहे हैं। मनी प्लांट खूब अच्छा हो रहा है, देखो पत्ते खूब बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसे ना यहाँ पे ओस नहीं आ रही इसलिए खूब बढ़िया चलेगा। जैसे इसे बाहर रख देंगे ना, इसके पत्ते पीले होके सब टूट जाएंगे, तो मनी प्लांट तो मैंने काफ़ी अंदर ही रख दिए हैं। जो भी हमारे डेली के काम होते हैं वो हम सब करते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन ये करने ज़रूरी भी होते हैं। आजकल जो मेरा डीप क्लीनिंग का एक रूटीन चल रहा है, जिसमें कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया को थोड़ा सा डीप क्लीन किया था, और आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ बेडरूम्स को। तो एक बेडरूम को मुझे अच्छे से करना है और इतना ही टाइम मिलेगा, क्योंकि डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सारे सामान को बाहर निकालना, उन्हें वॉश करना और एक एक इसको पोंछ के लगाना, और खासकर जब हम कोई चीज खिसकाते हैं तो उसके पीछे तो बहुत सारी गंदगी निकलती है, चाहे हम डेली कितनी ही अच्छी सफाई क्यों ना करें। लेकिन हाँ, इनसे हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है और ना ही हम इन घर के कामों में अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। जैसे कि सुबह उठ के एक ग्रीन टी पी लेना, ये जरूरी ही है मेरे लिए, क्योंकि उसके बगैर तो मैं अगर ये सोचूं कि मेरे दिन की कुछ अच्छी शुरुआत हो तो वो नहीं हो पाती है। जो हमारा डेली का लाइफस्टाइल होता है उसे हम पूरी तरीके से बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश ये कर सकते हैं कि उसमें कुछ चीजें हम ऐड करें। और इसी क्लीनिंग के साथ साथ बनता है खाना। जो घर का नॉर्मल खाना होता है वही मैं खाती हूँ, बस कोशिश मैं करती हूँ कि उसमें रागी का आटा ज़रूर ऐड करूँ, क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है कुछ कैल्शियम एक्स्ट्रा लेने के लिए। लेकिन हाँ, मैं कैल्शियम जो ले रही हूँ वो अभी नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं इनसे भी लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो रागी का आटा हुआ या जो भी डेली का दाल वगैरह का खाना हुआ, प्रॉपर वही खाना अब मैं खाऊँगी। और जब कभी भी भूख लगती है तो उसके लिए कुछ स्नैक्स हमें बना के रखने ही चाहिए। तो जो एक बहुत ही अच्छे लड्डू की रेसिपी है, जो कि बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, जो कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है, इसके लिए करीब 3 कप हमें लेने हैं खजूर या डेट्स, और हम 2 कप लेंगे मेवे। जो भी आपकी चॉइस के मेवे हों वो आप ले लीजिए, जो भी आप खाते हो, जैसे मखाना, बादाम, काजू, किशमिश, जो भी चीज़ें आप लें, बस ध्यान दीजिएगा कि हमें कम से कम 3 कप खजूर लेने हैं, तो हमें 2 कप मेवे इसमें लेने पड़ेंगे। और इन जो भी हमने ये मेवे लिए हैं, इनको बिल्कुल हल्के से घी में हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और काफी दिनों तक हम इनको रख सकें। मैंने थोड़ी सी किशमिश भी इसमें ली है, बिल्कुल जरा सी, और उनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। और इसी के साथ साथ बिल्कुल हल्के से घी में मैंने जो खजूर थे, जिनका कि मैंने बीज निकाल लिया है, उनको भी बिल्कुल अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया। मेवों को दरदरा पीस लेंगे ताकि अच्छे से हम इसके लड्डू बांध सकें, और इसी में हम मिक्स कर देंगे जो हमने खजूर को भूना है बिल्कुल उसको, और हाथों से अच्छी तरीके से मस लेंगे, और लड्डू रेडी हैं। और जो हमने खजूर है ना, जिसको घी में भूना है, उसका घी ऑलरेडी आ जाता है इन लड्डुओं में, और ऐसा नहीं है कि हमें घी से बिल्कुल बचना चाहिए। और इस तरह से हम ये खजूर के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाएंगे। अगर एक तो बनने में बहुत आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ये एक स्नैक भी रेडी हो गया। Thank you.
रही हूँ, बाहर का काम करने, कुछ मार्केट का काम है जिसमें मुझे कुछ चीज़ें लेकर आनी है, और सब घर से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें ग्रोसरी लानी है मंथली जो आती है। मौसम आज थोड़ा सा ख़राब है और ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है न्यू ईयर की वजह से मंदिरों वगैरह के दर्शन के लिए, तो अगर मुझे लगा कि उस एरिया में मैं जा सकती हूँ तभी जाऊँगी, नहीं तो जो मुझे सामान लेकर आना है ज़रूरी वो लेकर आती हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत और भी काम है वो भी मैं करती हूँ। मौसम तो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, और पता है ना उससे फोर व्हीलर से तो जा ही नहीं सकते, टू व्हीलर से ही जाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल इतना जाम है कि ना शहर में कि फोर व्हीलर तो चलेगा ही। चलो शानू, आजकल मुझे ना प्रेस करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरा जो आयरनिंग बोर्ड था वो ख़राब हो गया था, टूट गया था और मुझे नया लेना था। तो प्रेस करने के लिए बोर्ड्स जो है मैंने जितनी भी लोकल शॉप्स होती हैं उन सब में देखे, जैसे ये बहुत अच्छा था, इसमें जैसे जो प्रेस का वायर होता है उसे भी हैंग करने के लिए एक जगह पर एक वायर दिया था, प्रेस कपड़े जो हो जाते हैं ना उनके नीचे एक जगह दी हुई थी इसी बोर्ड में जिसमें कि आप उसे रख सकते हैं, स्पेस सेविंग है, लेकिन ये काफ़ी मुझे कॉस्टली लगा, करीब 3150 यानी 3150 रुपीज़ का था। और फिर मैं गई अपनी एक शॉप पे जहां पे थोक का सामान मिलता है और वहां से मैंने चीजें देखी, तो ये जो एक बोर्ड था ये बहुत अच्छा था, और वैसे भी जो सिंपल चीजें होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स नहीं होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक चलती हैं, तो मैंने काफी देखे, कंपेयर किए और फिर एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने ये आयरनिंग बोर्ड ले लिया है, और ये मेरे एक घर की बहुत जरूरी काम की चीज थी, तो ये मुझे लोकल शॉप में अपनी कुछ बहुत दूर जाके कुछ थोक की शॉप्स पे मिल गया। उन्हें क्या मंगाया है? कुछ नहीं है, बस खाना खा के आए थे, बैंगन का भरता। बैंगन का भरता खा के आया था। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मैं और शानू गए कॉफ़ी पीने के लिए, तो वहाँ पे भी जैसे पास्ता मंगाया शानू ने, बच्चे बाहर का थोड़ा सा कम ही खाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, जो भी अपना मिलता है कहीं पे भी अगर हमें खाना पड़ता है तो उन सारी चीज़ों को ले लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है क्योंकि अगर हमें ना एक्चुअली हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और अगर हम हमेशा के लिए सोच लेंगे कि हमें ये खाना ही नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो लाइफस्टाइल बदलने का मतलब ये होता है कि हम अपनी आदतों को सुधारें, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे में अगर हम कुछ चीज़ों से अपनी एक पक्की दूरी बना लेंगे तो कभी ना कभी उसका मन करेगा और हम बहुत ज़्यादा उसको ले लेंगे, इसलिए अब टाइम है एक्सरसाइज का, और ये मेरा जो टाइम है ये होता है इवनिंग में क्योंकि सुबह के टाइम मुझे अब टाइम नहीं मिलता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही परफेक्ट टाइम है एक्सरसाइज करने के लिए, और ये मेरे लिए एक्सरसाइज करना ना बहुत ज़रूरी भी है। जो मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ ना इसके डॉक्टर ने मुझे कुछ इस तरीके के जो है गाइड दे रखी हैं, इसमें बताया हुआ है पूरा एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो पहले मुझे मिली थी ये वाली एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है मेरे पैर के दर्द के लिए, तो पहले ये वाली गाइड मिली थी जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्चुअली ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, मैं पहले भी इनको किया करती थी जब मैं एक्सरसाइज करती थी, और मेरा इन एक्सरसाइज को करने से ही मेरे जो पैर का दर्द था उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और इस दर्द का ना कोई भी और इस पेन का कोई भी इलाज नहीं है सिवाय इन एक्सरसाइज के। और अब ये दो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, मतलब इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, एक में 7 एक्सरसाइज और शायद 7-8 एक्सरसाइज इसमें हैं। बाद जो मेरी और एक्सरसाइज होती हैं जो योगा वाली होती हैं, प्राणायाम करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, डेली ये करनी रहती हैं। और वैसे मेरे जो डॉक्टर उन्होंने मुझे बोला है कि दिन में 2 बार करनी है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, तो अभी फिलहाल मैंने इनको इवनिंग में करना स्टार्ट किया हुआ है और फिर मैं इसको दिन में 2 बार कर दूंगी। इसके साथ साथ जो और भी एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ वो सारी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं।
और अब तो मुझे ना ये याद हो गई है कि इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है, तो मुझे इनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आगे वीडियो के एंड की तरफ पूरा दिन बीत गया, बहुत सारे काम घर के लिए किए, अपने लिए किए। तो जो कमेंट्स होते हैं उससे केवल मुझे पता नहीं चलता, जितने लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं हम सबको इन सारी चीजों की नॉलेज होती है। तो दोस्तों वीडियो को करती हूँ खत्म। इसी तरीके से चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और ये एक वन वे कम्युनिकेशन ना होके मतलब बोथ वे कम्युनिकेशन है, जिसमें कि आप भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा देते हैं। तो हाँ फिर मिलेंगे, और हाँ अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।